ऐसी क्या चीज है जो आपको तंग कर रही है, आपके अपनों से दूर कर रही है, आपकी सक्सेस और खुशियां आपसे छीन रही है? क्या आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं या फिर खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर हाँ तो वीडियो पूरा देखिए। आज मैं आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी चिंता दूर कर सकते हैं, साथ ही कुछ बोनस स्टोरीज भी सुनाऊंगा। मगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो से आप फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, पैशन। प्रोफेसर विलियम फेल्स को लगता था कि उनकी आंखें अब नहीं रही। 5 मिनट कुछ पढ़ते हैं उनकी आंखें दुखने लगती थी। उनसे खिड़की के बाहर भी नहीं देखा जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी आंखों में सुई चुभो रहा है। प्रोफेसर विलियम्स को डर था कि कहीं उन्हें अपनी आंखों की वजह से टीचिंग ना छोड़नी पड़ जाए। एक दिन उन्हें एक स्पीच के लिए इनवाइट किया गया। वहाँ लाइट इतनी ब्राइट थी कि प्रोफेसर को बार बार अपनी नजरें फ्लोर की तरफ करनी पड़ रही थी। मगर जब उन्होंने स्टूडेंट को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तो उन्हें आंखों में पेन महसूस ही नहीं हुआ। वो पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर विलियम्स को लगा कि अपने टीचिंग की पेशेंस की वजह से उन्होंने अपने दर्द को जीत लिया था। जब उनका दिमाग कोई बेहद जरूरी काम में लगा होता है तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। टीचिंग के लव ने प्रोफेसर विलियम्स को जिंदगी जीना और इसे एंजॉय करना सिखा दिया था। नेक्स्ट, रीडिंग हैबिट। दूसरा मेथड जो प्रोफेसर विलियम ने अपनाया था वो था कि कोई अच्छी सी किताब पढ़ के टेंशन से दूर रहें। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी। तीसरा मेथड है फिजिकल एक्टिविटी। एक बार प्रोफेसर विलियम डिप्रेस हो गए थे। उन्होंने क्या किया कि खुद को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया। वे हर सुबह टेनिस खेलने लगे, फिर नहाने के बाद वो अपना लंच लेते थे, दोपहर में वो गोल्फ खेलने चले जाते थे और कभी कभी रात में घंटों तक डांस करते रहते थे। उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से ऑटोमेटिकली सारी परेशानियां गायब हो जाती है। नेक्स्ट, प्रेशर। चौथा मेथड है खुद को किसी भी तरह के प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखें। प्रोफेसर विलियम्स को कनेक्टिकट के फॉर्मर गवर्नर विल्बुर क्रॉस ने एक एडवाइस दिया था। मिस्टर क्रॉस ने उन्हें बताया, कई बार मुझे एक ही साथ में कई सारे काम करने होते हैं जिससे मैं प्रेशर में आ जाता हूँ। तब उस वक्त मैं क्या करता हूँ कि रिलैक्स बैठकर बस अपना पाइप पीता रहता हूँ और कुछ नहीं करता। तो दोस्तों, आपको कभी भी टेंशन में नहीं आना है और प्रेशर नहीं लेना है। नेक्स्ट, टाइम और पेशेंस। टेंशन भगाने का प्रोफेसर विलियम का 5वां और लास्ट मेथड है ये याद रखना कि टाइम और पेशेंस हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए वे उसे एक अलग सोच के साथ देखते हैं। प्रोफेसर विलियम खुद को कहते हैं कि 2 महीने हो जाने दो, फिर मैं इस टेंशन की परवाह नहीं करूंगा, तो अभी क्यों करूं। अब ऊपर की इन सारी चीजों को स्टोरीज से समझते हैं। हर दिन को भरपूर जिए। एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो अपने करियर शुरू करे? वो लड़का यही सब सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था। तभी उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड मिले जिन्हें पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने जेनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। और वो नौजवान था सर विलियम ऑस्टियर। जो 21 वर्ड सर विलियम्स ने पढ़े थे वो था, दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरिटी हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका मतलब है कि हम उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़े रहते हैं। पास्ट एक लंबी हिस्ट्री है और फ्यूचर बहुत बड़ा है, और हो सकता है कि हम इतनी लंबी जिंदगी जी भी ना पाए। तो फिर क्या फायदा कि गुजरे हुए और आने वाले टाइम के बारे में सोच सोच के परेशान हो। हमें फिक्र करनी चाहिए तो सिर्फ आज की। बेफिक्र जिंदगी जिए। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से परेशान रहते थे और वो बहुत बिजी भी रहते थे। एक दिन वे अपने डेस्क साफ कर रहे थे जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इम्पोर्टेंट पेपर मिले जो अब काम के नहीं थे। एक एक करके विलियम्स ने वो सारे पेपर डस्टबिन में फेंक दिए।
तभी उन्हें एक आइडिया आया कि जैसे वे वेस्ट पेपर डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम्स को तोड़ मरोड़ कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। अपने पास्ट का बर्डन लेकर चलने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ कि उसे किसी रद्दी पेपर की तरह फेंक दिया जाए। एक दूसरे मौके पर विलियम्स वुड ने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, देख विल, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं और वो इतने सालों से बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा, अगर उनकी बीवी को पहले ही पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोने पड़ेंगे, तो वो शायद कभी उनसे शादी के लिए हाँ नहीं करती। महान विलियम वुड को रियलाइज हुआ कि उनकी बीवी को ये काम जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती है। उसके कल के गंदे होने वाले बर्तन की फिक्र आज नहीं है और ना ही वो उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसने कल साफ किए थे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि वे हर काम को तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो दरअसल कोशिश कर रहे थे कि आज के बर्तन, पिछले दिन के बर्तन और आने वाले कल के बर्तन जो अभी गंदे भी नहीं हुए हैं, उन सबको वे आज ही साफ कर ले। और यही विलियम वुड की सबसे बड़ी गलती थी। वे दूसरे को हमेशा सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे, मगर खुद अमल करना भूल गए थे। महान विलियम वुड ने जब अपने रूटीन चेंज किया तो उन्हें नींद भी बढ़िया आने लगी और उनका स्टमक पेन भी गायब हो गया। ये याद रखें कि हर दिन को उस दिन के हिसाब से जिएं, क्योंकि जब आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बर्डन लेकर चलेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस आपकी बॉडी सफर करेगी और लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो दोस्तों, ये थी समरी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।